दिल्ली में चुनाव होने को है, 8 फरवरी को मतदान है, सभी पार्टियां अपनी अपनी दाव खेल रही है। जैसे कि आपने गारंटी पत्र जारी किया जिसमें उसने 10 वादे किए थे, उसके जवाब में बीजेपी ने अपना दाव खेल दिया है। चलिए इसके डिटेल से बात करते हैं। आप देख रहे हैं योर ओपिनियन ओनली फॉर ट्रू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले। चलिए बात करते हैं केजरीवाल। आज हमारी भारत की संस्कृति के ऊपर प्रहार हो रहा है, आज हमारी एकता के ऊपर प्रहार हो रहा है। और अगर भारत एक नहीं रहा, भारत अगर धर्म के नाम पे बट गया, भारत अगर हिंदू और मुसलमान में बट गया, भारत अगर इस जाति और उस जाति के बीच में जात और नॉन जात में बट गया, मराठा और नॉन मराठा में बट गया, पटेल और नॉन पटेल में बट गया, तो भारत नहीं बचेगा। इस 4000 साल पुरानी संस्कृति के ऊपर आज प्रहार हो रहा है और 2019 का ये चुनाव उस भारत को बचाने का चुनाव है। अगर भारत बचेगा तो पार्टियां बचेंगी, भारत बचेगा तो ये मैनिफेस्टो बचेंगे। सरकार ने अपने 10 गारंटी कार्ड में 10 बातें को जिक्र किया था। हम गारंटी देते हैं, ये मेरा मैनिफेस्टो नहीं है। उसमें उसने पहला वादा किया था जगमगाती दिल्ली होगी, 200 यूनिट सबको फ्री यूनिटी मिलेगी, घर घर नल जल की बातें की थी, महिला सशक्तिकरण के बारे में बात किया था, सुलभ शौचालय होगा, प्रदूषण मुक्त दिल्ली होगी, उसके ऊपर हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे, स्वच्छता पर काम करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा वगैरह वगैरह। लेकिन इसके तुलना में बीजेपी ने अपना दाव खेल। और बीजेपी ने घोषणा किया है कि वह गरीबों को 2 रुपए के जी आटा और महिलाओं को के जो गरीब बच्चियां हैं उनको स्कूटी देगी, 9 से कम बच्चे उनको एक साइकिल्स देगी। इसके मामले में फिर उसने वादा किया था कि 10 लाख नौकरियां देगी, जो आप देख सकते हैं, आप सुनिएगा गौर से बातें को। फिर उसने किसानों के लिए बोला है कि पेंशन स्कीम्स देंगे, गरीब जिसकी बेटी पैदा होगी उसको 2 लाख रुपए तक आर्थिक मदद दी जाएगी वगैरह। उसमें बहुत सारे स्कीम्स लगाए हैं, कॉन्ट्रैक्टर जॉब को, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो है उसको परमानेंट किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, क्या आपको लग रहा है? जरूर अपने से आप पूछिएगा। कॉलेजेस खोले जाएंगे, 10 नए कॉलेजेस खोलेंगे, 500 नए स्कूलें खोलेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, आप तो जानते ही। इस मामले में और हम बात करते हैं डिटेल्स में। क्या आपको पता है 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी लोकसभा के लिए, आपको पता होना चाहिए उस टाइम क्या क्या वादे किए, 2 करोड़ नौकरी की, क्या आपको नौकरी मिली? आप जीडीपी देख सकते हैं, कहने की बात नहीं है। देश की हालत क्या है अभी, आपकी ओपिनियन जरूर आ रखती है, आप अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिर हम बात करते हैं, कांग्रेस ने दावा किया है कि जो भी